हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है चिल मोड, और मैं ऑलमोस्ट 3 बजे दोपहर के ये वीडियो बना रहा हूँ सनलाइट के अंदर, सो दैट आई थिंक इस वीडियो का जो मैसेज वो आप तक पहुँच जाए कि धूप में बैठ के भी हम चिल मोड में रह सकते हैं। चिल मोड क्या है? इज़ इट ए स्वैग? इज इट ए जागन? इज़ इट ए यू नो नाउ डेज वन ऑफ द ट्रेंड? चिल मोड में रहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? आई थिंक इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई वी वांट टू गेट इनटू चिल मोड, हाउ वी कैन गेट इनटू द चिल मोड एंड व्हाट वी कैन अचीव आउट ऑफ दिस चिल मोड। चिल मोड की बात करते हैं दोस्तों, जनरली हम लोग कहते हैं कि यार ठंड रख, थांबा, गुस्सा मत कर। सो ये सारी चीज़ें वो चिल मोड के आसपास में घूमती हैं। चिल मोड एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप अपने मन को शांत रखना चाहते हो, चाहे जितनी भी टेंशन में आप हो, जितनी भी चैलेंजेस आपके सामने हैं, वी वुड लाइक टू कीप योर माइंड रिलैक्स सो दैट आप उसको, जो प्रॉब्लम को अटेंड करने की जो आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। दैट इज़ कॉल्ड चिल मोड आई बिलीव। हाउ टू अचीव दिस चिल मोड? आई थिंक आई बिलीव इन अफर्मेशन। जी हाँ, हम लोगों के ना हर एक इंडिविजुअल का एक वन लाइनर होता है। कोई बोलते हैं जय माता दी, हे राम, कोई बोलते हैं ओ गॉड, somebody will say I'll do it, somebody will say let's rock, somebody will say jai mata di. So I think you also have that one liner with you which you know stimulates you, which stimulates your energy within you, which give you some confidence, some positivity within you. So hence I think wo affirmation bahut zaruri hai chill mode ke liye. Tabhi hum kehte hain just chill, are relax, oh shant. It's very easy process to grab the chill mode in our life. अफर्मेशन बार बार बोलिए, ठंड रख, ट्राई टू काम डाउन योर सेल्फ। और अब दूसरा इसमें क्या रहता है, इस प्रोसेस में आप एक और चीज़ सीखते हो, आई विल नॉट से इग्नोरेंस इज ब्लिस, ओकेजनली येस, बट आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू गिव डिस्काउंट टू अदर्स। चिल मोड में ना आप कुछ लोगों की गलतियों को, जो इतनी ज़्यादा गहरी या सिग्निफिकेंट नहीं होती, उसको आप इग्नोर कर देते हो। तो चिल मोड में आपको वो एक जो थर्ड पार्ट है, जो उसका फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा वो है कि यू विल लर्न द हैबिट ऑफ इग्नोरेंस और गिव डिस्काउंट टू अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स। सो ये जो इसका जो इम्पैक्ट बहुत अच्छा है चिल मोड का, तो आपका ना एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि ठीक है यार, दोस्त अपना गलती होगी छोड़ दो, ठीक है यार, बच्चा अपना आज मेहनत की है, रिजल्ट अच्छा है नहीं आया, आगे बढ़ो। सो ये चीज़ें होती हैं, कुछ रिलेशनशिप रहते होते हैं जिसमें आप कई चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आप डिस्काउंट देते हैं, छोड़ो यार, चलो छोड़ देते हैं इसको। सो चिल मोड को जब अचीव करते हैं, सो आपको क्यों चाहिए, क्या है ये चिल मोड, हमने बात की, अफर्मेशन इज़ द राइट वे टू रीच इट आउट चिल मोड, देन डेफिनेटली प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो अनदर एलिमेंट। लेकिन जब आप चिल मोड में आ जाते हो, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को डिस्काउंट देना शुरू कर देते हो, फाइन। चिल मोड में एक और चीज़ आती है कि आपका फोकस प्रोसेस पे जाता है रादर देन ऑन द रिजल्ट्स। हम लोग जो कहते हैं कि चार दीवारी में जो है वो दुनियादारी है, अपने घर की चार दीवारी में दुनियादारी निभाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो हमें दुनिया सामने नज़र आती है, तो हम दुनियादारी को कई बार ढंग से नहीं निभा पाते दुनिया के चक्कर में। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन वी फेस द वर्ल्ड, तो हम अपनी दुनियादारी के अंदर यू नो झूम जाते हैं, उसी अंदर अपने आप को इन्वॉल्व इतना कर लेते हैं कि दुनिया को फेस नहीं कर पाते। तो चिल मोड आपको वो दो एक बैलेंस एक्ट बताएगा बिटवीन दुनिया एंड दुनियादारी। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखिए चिल मोड कहीं भी हो सकता है, अभी धूप के नीचे बैठा हूँ, बट आई एम हैप्पी दैट मैं अपना ये मैसेज, अपनी 3-4 मिनट की ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ बाय एंड लार्ज हर वीकेंड पे। अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आपकी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूँ इन ए पॉजिटिव वे, एंड आपकी विशेज, आपकी दुआएँ मेरे साथ हैं, एंड मेरी बेस्ट विशेज ऑलवेज आपके साथ हैं। दोस्तों, चिल मोड में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेट्स कीप फोकसिंग ऑन अवर गोल्स एंड टारगेट्स, एंड लेट्स कीप अवर सराउंडिंग्स हेल्दी, लेट्स क्रिएट दोज पॉजिटिव वाइब्स। और देखिए, अपनी तरफ से आप सलाम दुआ मारते रहिए, आगे से रेसिप्रोकेशन होती है नहीं होती है वो ऊपर वाले की मर्जी है, हम अपना काम करते रहें, ठीक है। सूर्य की जो ड्यूटी होती है वो रोशनी देना है, ठीक है जी, उसकी किरणें सबके ऊपर एक जैसी पड़ती है, कोई छाता लगे चल पड़ता है धूप में, कोई मेरे जैसा चेयर डाल के आपके साथ वीडियो बना रहा है, तो अपनी अपनी सबकी मर्जी है। चिल मोड में रहना है और खुश रहना है।
एंड आशा करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और देर इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंटेंट बिहाइंड दिस चैनल। आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर भी करूँगा, और कुछ अपने खास मित्रों के साथ मैंने अपनी ये इंटेंट भी शेयर की है कि मेरे इस चैनल का पर्पस क्या है। शुक्रिया, थैंक्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।